सोच से ज्यादा दिन हो गए, क्या कहना सर? ज्यादा दिन कहाँ हो गया, हो जाएगा तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं अभी तो। हाँ हो जाएगा, कहाँ जल्दी होगी, नवंबर दिसंबर में बात कर लेंगे, सर्दी आ जाएगी ठीक रहेगा जो। गर्मी कम, हाँ सर्दियों से भी बैठे थे, सर्दियों का ही इंतजार है। हाँ सर्दी का बैठे हुआ आदमी, सर्दी में ही बातचीत होगी। लेकिन सर ये जहाँ पे किसान बैठे हैं, वहाँ के आसपास के लोग और जो बाकी लोग हैं, जिस तरीके कल भी रास्ता बंद कर दिया गया, कल उससे जो काफी लोग परेशान हैं, दिल्ली पुलिस रास्ता बंद करे। हाँ दिल्ली पुलिस ने कर रखे रास्ते बंद, हमने क्या कर रखे, और चल जाओ तो बहुत रास्ते हैं, हमने तो तीन ही तो रोड पर बैठे हैं। सर कल आपके ऊपर हमला हुआ, तो कैसे देखते हैं, क्यों जिम्मेदार हैं इन सब चीज के लिए? और जिम्मेदार तो सरकार ही होती है, और कौन जिम्मेदार होगा भाई, वे किसके लोग हैं, किन किन के साथ में फोटो है, तो वही जिम्मेदार है। वो विद्यार्थी परिषद है कोई इनका, तो उसके थे वे जो पुलिस ने बताया। तो क्या सर स्लोगन वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे जब आपके अटैक हुआ? वे तो नु कह रहे थे राकेश टिकेत गो टू बैक, मगा भाई गो टू बैक कहाँ जा, अब पंचायत तो आगे है, जाना तो आगे है, चले नहीं वापसी जाओ। मगा भाई वापसी कहाँ जा, मैं ये तो बता दो वापसी जा कहाँ, दिल्ली में धरने पे जाए या धरने पे ही चले जाए, या तो धरने का समर्थन आप कर रहे हो तो आप भी साथ में चलो, और गो टू बैक क्या, हम अपने घर चले जा। तो उसमें फिर पत्थरबाजी और लाठी लुठी ले रहे थे, और गाड़ी के शीशे विशे सब तोड़ दाड़ दिए। मगर मारे से कहीं की लड़ाई लड़े, अपनी पार्टी को बचाओ, तारी पार्टी गई, तारे नेता बंद कर रखे घर में, तब अपनी पार्टी को बचाओ, मारे से कहीं को लड़ो, हम तो किसान हैं, सरकार की पॉलिसी का हमारा विरोध है, तो हमारे से सारा क्या मतलब भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा, हम किसानों की बात कर रहे हैं। सरकार के लोगों का कहना है कि आप पार्टी का, बीजेपी का पार्टी का विरोध कर रहे हैं? ना हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं कर रहे, जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इनका, उनके लोग तो आते रहे यहाँ पे बात करते रहे। किनके लोग? बीजेपी वाले तो आपके पास आते हैं? आ जा, वे तो कह रहे जी हमारे नेता बंद हो गए, सारे नेता कोई बोल नहीं रहा बीजेपी का तो। अच्छा। ना मगर मैं अपनी पार्टी बचाओ, तो हमारे चक्कर में ना पड़ो, सारी पार्टी गई। सब जो भी मीडिया आप लोगों के बीच में बनी है सरकार में, स्टेप की कभी आपने कोशिश करी है कि आप राजनाथ सिंह जी से बात करें और वो समस्या का हल निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो देखो जब सरकार को निकालना होगा तो वही निकाल लेंगे, जरूरत तो सरकार को भी होगी ना, जरूरत तो सरकार को है, जिसको समाधान करना वो सरकार है, वो फैसला मान लेगी तो बातचीत हो जाएगी, अब उनको फैसला नहीं मानना, क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो जरूर बातचीत हो जाती, सरकार को तो कंपनी चला रही है, ये तो कंपनी की सरकार आएगी, तो अपना बिजनेस और प्रॉफिट देखते हैं, उनको किसी से लगाव नहीं है, वे तो जितना आदमी भूखा होगा उतनी उनकी रोटियों की कीमत बढ़ेगी, तो भूख के आधार पर देश में रोटियों की कीमत तय करने वाले लोग हैं। सरकार ने तो इस कानून को जिसका विरोध करना है उसको 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया। तो 1.5 साल के बाद में क्या होगा फिर, अगर किसी का कैंसर या बीमारी हो जाए और ये कहते जी बस 1 साल के लिए हो गया, किसी की नौकरी मिल रही, नौकरी किसी को मिल रही, अब उसे कहते जी आपको जो नौकरी मिल गई 1.5 साल के लिए मिल गई जी, आप बस अपना चलो, क्या 1.5 साल की कोई नौकरी होती है? कोई बीमारी है तो भाई जड़ से ही काटनी पड़ेगी बीमारी, तो हाँ बिल्कुल जड़ से ही काटेंगे, इसे छोड़ नहीं, ये जो इसे है जड़ से ही बिल्कुल काट के जब ही जाएंगे। आज का लिगट है, कल 2 दिन के लिए गुजरात जा रहे, तो किसान अपना ध्यान रख रहा भाई गुजरात जा रहे, गुजरात बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, बाहर के आदमी जा नहीं सकते वहाँ, ठीक है, गुजरात भी एक भारत का राज्य है, उसको आप सेंसिटिव तो बहुत है, तो प्रेस के बीच में से लोगों को उठा कर ले जाते हैं, अगला मूवमेंट होगा प्रेस की आजादी, उसके लिए भी आंदोलन चलाना पड़ेगा, प्रेस को भी आजाद करवाना है, वहां के गुजरात के किसानों को आजाद करवाना है, नेताओं को आजाद करवाना है, ये तो बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसानों को। पत्रकार की आजादी की आप बात कर रहे हैं, प्रेस की आजादी, क्या गुजरात स्टेट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, पूरे देश की, पूरे देश के पत्रकारों की आजादी, पत्रकारों को आजादी दिलवानी है, वो भी बंधन में, उन्हें प्रेस मुक्त भारत चाहिए, ये मुक्ति अभियान चलेगा, ये नेता मुक्ति अभियान चलेगा, जो नेता अंदर घरों में बंद है उनको बाहर निकाल लेंगे।
जो प्रेस पे पहरा है, कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, उसको रिलीफ दिलवाना है। कौन से नेता ऐसे हैं जो बंद हैं? अरे बनते इनके बड़े बड़े नेता सारे बंद है, बोलता कोई है नहीं। बताइए सर, बताइए ना नाम। भाई अडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, और भी इस तरह के एक आध सौ यंत्र से छोड़ कर भाग्य। क्या आपको लगता है अगर ये बोलते तो ये हाँ तो बोलता नहीं कोई भी, भाई कुछ तो बोल रहे हैं। नहीं अगर अडवाणी जी है, मुरली मनोहर जोशी आना चाहिए ना, उनको सीनियर लीडर है वे, इनके आना चाहिए सामने। अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उनको सामने आना चाहिए, बोल ले तो कुछ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।